विधायक पुत्र द्वारा आदिवासी युवक को गोली मारने से गरमाई सिंगरौली की सियासत के बीच विधायक रामलल्लू वैश्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। विधायक वैश्य ने कहा है कि पुलिस को पूरी छूट है। विवेकानंद वैश्य के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है। विधायक रामलल्लू वैश्य ने मोरवा गोलीकांड पर कांग्रेस के विरोध करने पर कहा कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद वो भूल गए हैं कि उन्होंने स्वर्गीय विधायक रामचरित्र वर्मा जो कि हरिजन थे, उनको अपने गांव में थप्पड़ मारा था, जिसे लेकर वो पचौर सहित पडरा जेल भी जा चुके हैं। इनका हरिजन आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार करना ये पुरानी परंपरा है। साथ ही डीजल चोरी के मामले में कांग्रेसी नेता के भाई अभी भी फरार हैं। ऐसे लोगों का विरोध करना कहां तक ठीक है? रामलल्लू वैश्य ने कहा कि विवेकानंद वैश्य मेरा बेटा है, लेकिन जहां हम रहते हैं वह वहां करीब 5 वर्ष से नहीं रहता है, और जब ये घटना हुई तब हम सिंगरौली के विस्थापन की समस्या को लेकर दिल्ली में थे। विधायक ने कहा, इस गोलीकांड के मामले से मैं दुखी हूँ। मेरा कहना है, कांग्रेसियों ने सदैव अपराध को और अपराधियों को संरक्षण दिया है। जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो अपराध अपने आप समाज में बढ़ जाते हैं। वो दूसरे पर अपने जैसा ही सोचकर झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अभी विधायक जी ने नाम लेकर भी बताया जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, जो सजा याफ्ता है, जो विनती करके समझौता किए, वो सब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जनता इनको जानती है, तो ये सहज है, सीधा है, सरल है। जहां मन हो वहां पकड़ के ले जाओ। किसी तरह का सीधे अपराध में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जो भी अपराध किए उनको सजा मिली भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई भी है और आगे भी होगी। पर मैं ये कहना हूँ कि यदि विवेक का बात आता है, उसके साथ है दीपक पनका भी। दीपक पनका से पहले भी विवाद हुआ था इन लोगों का, और उसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसमें खुद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, गिरफ्तारी कार्रवाई कर ली है। हम तो उसको भी स्वतंत्र कर दिए हैं कि भाई पुलिस का काम है ना करे, अपराधी को मैं कहीं कोई संरक्षण नहीं दे रहा हूं। और इतनी बात है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे, गिरफ्तारी करे, जो भी करे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।